मनरेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जब से लॉकडाउन लगा या कोरोना महामारी आई हुई है, तब से नाम काफी चर्चा में हो चुका है। और याद रखिए, मुझे लगता है कि आज तक मैंने नहीं कहा होगा कि इसे लेक्चर को शेयर करना या कुछ भी करना, लेकिन आज जरूर कहूंगा आपसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समाज में आप रह रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य रहता है कम से कम उन लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा दिया जाए, जो आप समझिए कि जिनके घर की नौकरी चली गई या जो गरीब खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं रह गई है। तो आप समझिए कि आपकी पंचायत, एक सामान्य जानकारी ये है कि आपकी पंचायत है तो मनरेगा कार्ड जारी करती होगी, उसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और आप सरपंच साहब के या सचिव साहब के पास जाएंगे तो आपको मनरेगा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि 150 दिन का भी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर मामले या तो फर्जी बना दिए जाते हैं कार्ड, या फिर देखेंगे अधिकतर लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। तो आप अपने सरपंच साहब के पास जाइए या सचिव साहब के पास जाइए, या भी जो भी आपका है, जो भी आपका नेतृत्व करता है उसके पास जाइए, वो कार्ड बनवा देगा आपका और आपको रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है? और ये आपका एक तरह से कानूनी अधिकार है आपके लिए, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पोर्टल पर नवंबर माह तक उपलब्ध आंकड़ों के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि मनरेगा के तहत कार्य की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद से जिस तरह से थोड़ी छूट मिली है, इसमें काफी, आप समझिए कि लोगों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया है। आप समझिए, एक समय आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने संसद में कहा था कि एक तरह से गड्ढे खोदना ये कांग्रेस की विफलता को बताता है। आप समझिए कि आप लोग, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज उसी मनरेगा ने काफी मजदूरों की हेल्प की है, जो आप समझिए कि बाहर से लौट के आए हुए थे, दिल्ली मुंबई सूरत से, ये जब अपने गांव में आए हुए तो इन्हें काफी रोजगार मिला है मनरेगा के तहत, ठीक है? यह एक मांग आधारित योजना है जिसे कोरोना वायरस महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटने वाले बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप समझते होंगे कि कहां से रोजगार उपलब्ध होता होगा, तो आप समझिए कि आपके यहाँ पुलिया बन रही है या रोड बन रहा है या कोई भी योजना चल रही, परियोजना चल रही है, तो उसमें जो मजदूरों की एक तरह से जरूरत होती है उसी में आपको नौकरी मिल जाती है एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग? ये अलग बात है कि आजकल आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो भी इस तरह के डैम बनाए जा रहे हैं उसमें मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हर हाल में मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिए जहां तक एक तरह से मजदूर काम कर सकते हैं, ठीक है? आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है हमें कि महामारी से संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 96% से अधिक ग्राम पंचायतों में योजना के तहत काम की मांग की गई है। अगर आपकी पंचायत में इस तरह का फायदा नहीं मिल रहा है तो आपके सरपंच साहब निकम्मे हैं। क्या हैं? निकम्मे हैं, ठीक है? और उनकी फेलियर है जिन्हें आप लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि आप समझिए कि एक सरपंच ऐसा प्राणी है कि आप समझिए कि अगर वो आपकी समस्याओं को उठाना शुरू कर दे, आपके प्रति वफादार हो जाए, अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दे, तो समाज की और हमारे देश की 90% तक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्योंकि आपकी समस्या क्या है, आपके पड़ोसी की क्या समस्या है, किस गांव की क्या समस्या है, इसके बारे में बेहतर कौन जानता है? सरपंच। अब सरपंच साहब का कर्तव्य होता है कि, और सचिव साहब का, कि वो विधायक जी को एक तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना दे, विधायक जी आगे पहुंचाए, लेकिन अधिकतर मामले में देखा जाता है कि सरपंच और सेक्रेटरी एक तरह से किस तरह का काम करते हैं, जग जाहिर है, अपना ही विकास करते रहते हैं, ठीक है? यहाँ आपको आंकड़े दिए गए हैं 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष 2013-14 से या आपको 20-21 तक, ठीक है? चालू वित्त वर्ष के दौरान शून्य कार्य दिवस वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या देश में 2.68 लाख यानी केवल 3.42% है, जो कि बीते 8 वर्ष का सबसे निचला स्तर है। वर्ष 2019 की संपूर्ण अवधि में शून्य कार्य दिवस वाली ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2.64 लाख यानी कि 3.91% थी, ठीक है? आंकड़ों की माने अगर हम लोग तो अप्रैल माह की शुरुआत से नवंबर माह के अंत तक तकरीबन 6.5 करोड़ घरों, जिनमें से आप देखेंगे 9.42 करोड़ लोग शामिल हैं, को मनरेगा के तहत काम प्रदान किया गया है, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इस वर्ष अब तक आप देखेंगे 265.81 करोड़ दिवस उत्पन्न किए गए, जो वर्ष 2019 में उत्पन्न 265.44 करोड़ व्यक्ति दिवस से अधिक है। अक्टूबर 2020 की बात करूं
तो 1.98 करोड़ परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जो 2019 की इसी अवधि की तुलना में 82% अधिक है। मनरेगा के तहत काम की सबसे अधिक मांग तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखी गई। यहाँ एक जानकारी और आपको बताता हूँ, कई लोगों ने कहा कि ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश एमपी बिहार के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के किसानों की क्या हालत है, बघेलखंड के किसानों की क्या हालत है। उनके पास खाने के लिए नहीं मिलता है, वो जितना भी एक तरह से बोते हैं काटते हैं उसमें घर के लिए खाने के लिए नहीं होता है, वो क्या आंदोलन करेंगे। उनको तो अगर 10,000 भी सरकार दे देती है तो वो खुश हो जाते हैं। और एक तरफ हरियाणा के किसानों की हालत देखिए आप लोग, पंजाब के किसानों की हालत देखिए, वो वीआईपी कार से चलते हैं, अपने बच्चों को वीआईपी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन पर फर्क पड़ रहा है ना। और अधिकतर मामले में देखेंगे आप लोग कि पंजाब और हरियाणा के किसान पढ़े लिखे हुए हैं, और बुंदेलखंड में आप लोग चले जाइए तो यही फर्क है एक तरह से शिक्षा का, कि आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम ही ना हो क्या अधिकार है, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है, इस अवधि के दौरान वेतन व्यय भी आप देखेंगे 53,522 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक वेतन व्यय है। तमिलनाडु में जुलाई माह के बाद से पूरे देश में इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। याद रहे कि ये दोनों राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत शामिल नहीं है, तमिलनाडु पहले नंबर पर है आपका, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। आपको एक और बात बताता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा, मैंने किसी पंचायत के लिए आईटीआई डाली हुई थी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम और मनरेगा के तहत उस पंचायत में ना के बराबर काम दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग कि इतना घपला किया जा रहा है, या तो फर्जी कार्ड बना दिए जा रहे हैं, जिसके नाम पर फर्जी कार्ड बने हुए हैं उसे पता ही नहीं है। ऐसी पंचायतों को, कई पंचायतों को मैं जानता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहां की जनता में ही जागरूक नहीं है। अपने घर में अपनी बीवी को पीट सकते हैं, अपने बच्चों को पीट सकते हैं, लेकिन सरपंच साहब के पास नहीं जा सकते हैं कि हमें काम दिलाइए, मनरेगा के तहत कुछ हमें फायदा दिलाइए। और याद रखिए, इतने एक तरह से वफादार सरपंच सचिव नहीं है कि वो आपके घर आकर कहें कि आपके आपको ये योजनाएं हैं, लीजिए इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एमपी स्पेशल पढ़ाया हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि हजारों तरह की योजनाएं दी गई हैं गरीबों के लिए, लेकिन उसका फायदा मुझे लगता है कि 1% भी लोगों को नहीं मिलता है। कई ऐसी योजनाएं हैं कि जैसे गरीब आप समझिए कि काफी लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सरपंच सचिव साहब भी नहीं अपनी जानकारी पूरी उन तक लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप इसका भी एक तरह से नुकसान देख सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कम खाइए, मैं तो कहता हूँ कम कपड़े पहनिए, सस्ते कपड़े पहन लीजिए, लेकिन बच्चों को इतना तो पढ़ा दीजिए कम से कम कि वो अपनी जानकारी रखें, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, उन्हें क्या अधिकार मिले हुए हैं, उनका क्या काम है, क्या नहीं करना है, उन्हें सच क्या है, गलत क्या है। ठीक है, वरना जिंदगी तो चल ही रही है, वो चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसे तब आप लोग नरेगा के नाम से जानते थे, 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, 2005 में जब इसका गठन किया हुआ तो उस समय आप देखेंगे नरेगा के नाम से इसे आप लोग जानते थे, लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रस्ताव इसी अधिनियम के तहत किया गया है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम में श्रम करने की इच्छुक वयस्क सदस्यों जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की है के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है, और ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत आप देखेंगे कि 100 दिन का रोजगार की व्यवस्था की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में। योजना के तहत आप देखें केंद्र सरकार अकुशल श्रम की पूरी लागत और सामग्री के लागत का 50% हिस्सा देगी और शेष राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। इसका कहने का मतलब सीधा सा ये है
इसमें जितना भी खर्च आएगा उसमें से 75% आपका केंद्र सरकार देगी और बाकी का हिस्सा कौन देगा, राज्य सरकार खर्च करेगी, ठीक है। यानी कि 75-25% अनुपात में बटे हुए हैं। यह एक मांग संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार को मूर्त रूप प्रदान करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि किस मंत्रालय के तहत ये चलाई जाती है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। इस अभियान की शुरुआत जून 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों में लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों की को आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यानी कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाती है, फिर चाहे गुजरात में हो या फिर आप देखेंगे दिल्ली मुंबई, इन शहरों में जाती है। जब वो लॉकडाउन के कारण इस कोरोना महामारी के कारण अपने गांव लौटे तो उन्हें एक तरह से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनका एक तरह से खर्च पानी चलाने के लिए जून 2020 में इस योजना का को शुरुआत की गई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यह कुल 125 दिनों का अभियान था जिसे कुल आप देखेंगे कितना 50,000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मोड में संचालित किया गया था। इस अभियान के तहत 6 राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा से कुल 116 जिलों को चुना गया था। इन राज्यों को भी याद रखिए क्योंकि मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा है, यहां से 116 जिले चुने गए। आंकड़ों के अनुसार इस जिलों में लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक थी और अभियान के तहत चुने गए कुल जिले जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं, यानी कि 27 जो पिछड़े जिले थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। तो यही कहानी है आपके मनरेगा की काम, ठीक। इसके बारे में जो भी पॉइंट रहा करें आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि ये ऐसी योजना है जिससे क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते रहे, ठीक है। और जब आप लोग कभी आर्थिक स्थिति पर लिखने के लिए या गरीबी पर लिखने के लिए निबंध आता है तब आप इनको भी, योजनाओं को भी उसमें शामिल कर सकते हैं या आंसर लिखने के लिए आता है, ठीक है।